हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल कंटिन्यूअस एक्शंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है वो कंटिन्यूअस एक्शंस, प्रेजेंट स्टेट ऑफ एक्शन। लेकिन अगर कोई एक्शन हैबिचुअली कंटिन्यूअसली होते रहो, या मत इसका मतलब क्या होता है कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से चलते आ रहा हो। जैसे कि इंग्लिश पढ़ाना, ये पढ़ाने का काम काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। जैसे कि कोई आदमी कि कहाँ पर काम कर रहा है, कुछ दिनों से, कुछ सालों से काम करते आ रहा है। कर रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, करते आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अभी पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पढ़ाते आ रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। साथ आप लोगों ने समझ गए होंगे। हैबिचुअल कंटिन्यूअस एक्शन मतलब लगातार, हैबिचुअली लगातार से चलते आ रहा हो एक्शन। उसी तरह के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस सीखना जरूरी है, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स लगाए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक है परफेक्ट और एक है प्रोग्रेसिव। तो हमें परफेक्ट के लिए एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा और प्रोग्रेसिव के लिए और एक लगाना पड़ेगा। परफेक्ट के लिए हैव या हैज, हैव बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। अगर आप लोगों ने पहली वीडियोस देख लिए होंगे या अब सारे वीडियोस देख रहे होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हैव अदर सब्जेक्ट्स के साथ लगेंगे और हैज लगेगा, और हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। उसके साथ प्रोग्रेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए बीन लगेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये हैव हैज परफेक्टिव ऑक्सिलरीज हैं। ये हैव हैज होते हैं परफेक्टिव ऑक्सिलरीज। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्टिव। एक वीडियो यूज ऑफ ऑक्सिलरीज, प्रॉपर यूज ऑफ ऑक्सिलरीज, उस वीडियो में मैंने बताया था हैव हैज हैड, इन लोगों को परफेक्टिव ऑक्सिलरीज बोला जाता है, और ये बी वर्ब को प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, प्रोग्रेसिव। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हैव हैज के बाद बीन क्यों लग रहा है, बी क्यों नहीं लग रहा है? परफेक्ट के लिए हैव हैज लगा, प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज लगा, उसके बाद प्रोग्रेसिव के लिए बी भी लग सकता है, एम इज़ भी लग सकता है, वाज वेयर भी लग सकता है, लेकिन हमें बीन क्यों लगाना पड़ा? वन थिंग आई वांट टू से हियर, एवरी वर्ब हैज़ एन इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट वर्ब। हर एक वर्ब का उसके अगले वाला वर्ब के ऊपर इफेक्ट रहता है, प्रभाव रहता है। कैसे? यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर हम जो लोगों ने ये लिए हैं, ये है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस वी फोर। यहाँ पर देखिए, हैव है परफेक्टिव ऑक्सिलरी या परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बी लगाओगे, ये नेक्स्ट वाला वर्ब भी परफेक्टिव फॉर्म में रहना जरूरी है, और बी का परफेक्टिव फॉर्म है बीन, जैसे कि यहाँ पर हैज बीन भी हो गया। और नेक्स्ट चीज़ बताना चाहूँगा, बीन जो है परफेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन ये है एक प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी, ये एक प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी है। उसके बाद जो वर्ब लगाया गया है, जो वर्ब, वो क्या है? मेन वर्ब। वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में रहना जरूरी है। सो आई हैव टोल्ड यू, एवरी वर्ब हैज एन इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट वर्ब। हर एक वर्ब का उसके अगले वाले वर्ब के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मतलब पिछले वाला वर्ब, प्रीवियस वर्ब जिस तरह का होगा और जिस टाइप का वर्ब होगा, उसके अगले वाला वर्ब उसी टाइप, उसी फॉर्म में रहना जरूरी है। अगर ये परफेक्टिव वर्ब है, उसके बाद वाला जो वर्ब वो परफेक्टिव फॉर्म में रहना जरूरी है। चाहे कोई भी वर्ब हो, वो बी वर्ब हो, हैव वर्ब हो, कुछ भी हो, या मेन वर्ब हो, लेकिन वो परफेक्टिव फॉर्म में रहना जरूरी है। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं समझा दूँगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पर परफेक्ट के लिए हैव हैज लगाया गया और प्रोग्रेसिव के लिए बीन लगाया गया, और मेन वर्ब है बी फोर। आई हैव बीन टीचिंग। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर होता आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। यहाँ पर इंग्लिश रेड पे लिखा गया है आई लव इंग्लिश, सो इसके लिए मैंने इंग्लिश को रेड में लिखा। इसे कुछ खास बात नहीं है, आप मतलब चौंके मत, ऐसा कुछ नहीं है। रेड में लिखा गया बिकॉज मुझे इंग्लिश काफ़ी पसंद है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स। फ्रॉम पास्ट का मतलब, फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स का मतलब पिछले 20 सालों से, पिछले 20 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूँ। यहाँ अंडरलाइन किया गया है, जिसके बदले और एक लिखा गया है फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स इज इक्वल टू सिंस 2000। अभी 2020 है, तो 20 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ मतलब मैं 2020 में पढ़ाना शुरू किया होगा। तो आप इस तरह बोल सकते हो कि मैं पिछले 20 सालों से इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूँ, या फिर ये भी बोल सकते हो कि मैं 2000 से इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूँ, साल 2000 से इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूँ। दोनों सेम है, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है, आप ये लिख सकते हो या फिर मैं यहाँ और लिख रहा हूँ, इसके बदले ये भी लिख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैव बीन स्टेइंग हियर, वो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो लोग यहाँ रह रहे हैं फ्रॉम पास्ट 5 मंथ्स, पिछले 5 महीनों से। या तो फिर आप बोल सकते हो सिंस जुलाई, अभी नवंबर चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब जुलाई से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। आप जुलाई से बोल सकते हो या फिर पिछले 5 महीनों से बोल सकते हो, दोनों सेम है। तो वो लोग पिछले 5 महीनों से यहाँ रह रहे हैं या फिर जुलाई से यहाँ रह रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश होते आ रही है सिंस 6 o'clock, 6 बजे से होते आ रही है। या फिर आप बोल सकते हो फ्रॉम पास्ट 10 hours, पिछले 10 घंटों से हो रहा है आप बोल सकते हो, या फिर 6 बजे से होते आ रहा है, बारिश होती आ रही। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद करते आ रहा है सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से काफ़ी हर जगह पर मेरी मदद करते आ रहा है वो, जैसे कि पढ़ाई में, काम में, कोई भी मुसीबत हो मदद करते आ रहा है। सिंस माई चाइल्डहुड बोल सकते हो, या फिर फ्रॉम पास्ट 45 ईयर्स, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, आप बोल सकते हो बचपन से मेरी मदद करते आ रहा है। या फिर ये भी बोल सकते हो 45 सालों से, पिछले 45 सालों से मेरी मदद करते आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो दो चीज़ें, ज़्यादातर लोग ये फ्रॉम पास्ट, सिंस, फॉर, इसको यूज करने में काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं। ये प्रीपोजिशंस होते हैं, हम प्रीपोजिशंस कैसे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मौका मिला है, ये दोनों के बीच में मैं आप लोगों को डिफरेंस समझा दूँ। सिंस जो है ना, बिफोर द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक्शन के बारे में आप बता रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कोई एक्शन के बारे में बता रहे हो, वो एक्शन जब शुरू हुआ है, जब शुरू हुआ है, दैट इज नोन एज द स्टार्टिंग टाइम। वो स्टार्टिंग टाइम से पहले हमें सिंस लगाना पड़ता है, जैसे कि सिंस 2000, मैंने इंग्लिश पढ़ाना 2000 को शुरू किया, तो मैं यहाँ पर लिखा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2000, मैं 2000 से इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूँ। सिंस जुलाई, वो लोग जुलाई से रहते आ रहे हैं, रहने का काम जुलाई से शुरू हुआ। यहाँ पर सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से वो मेरी मदद करते आ रहा है, जो टाइम पे एक्शन शुरू हुआ उससे पहले सिंस लगाया जाता है। सेकेंड वन जो है फ्रॉम पास्ट, बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ एन एक्शन, अभी तक वो एक्शन को, जो एक्शन हैबिचुअल कंटिन्यूअस एक्शन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जो एक्शन के बारे में आप बता रहे हो, वो एक्शन का टाइम ड्यूरेशन अभी तक जितना हुआ उससे पहले फ्रॉम पास्ट लगेगा, जैसे कि पिछले 10 सालों से, पिछले 5 महीनों से, पिछले 3 दिनों से, वो पिछले 3 घंटों से रोते आ रहा है, मैं पिछले 15 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, रहते आ रहा हूँ। 15 साल, 10 महीने, 8 घंटे, 3 दिन, ये टाइम पीरियड है, उससे पहले फ्रॉम पास्ट लगेंगे। पर्टिकुलर स्टार्टिंग टाइम से पहले सिंस लगेंगे। शायद आप लोगों ने सिंस और फ्रॉम पास्ट के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस में कैसे फॉर्म में कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो भी सीख गए होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाली पॉजिटिव पढ़ा रहा हूँ, हर एक वीडियो में मैं दो दो स्ट्रक्चर कम से कम पढ़ाता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव। लेकिन आज ये इसके लिए क्योंकि इसके बारे में आपको समझाना था, और सेकेंड रीज़न ये है मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, कोई भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस का नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव ये तीनों स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर यूज नहीं होते। क्यों यूज नहीं होते अगले वीडियोस में पता चलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए। मैं भी आप लोगों के लिए इंतज़ार करता रहूँगा कि मेरी वीडियोस आप देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, जो कि आपके लिए अच्छा है। जितने ज़्यादा हो सके शेयर भी करते रहिए कि मुझे और ज़्यादा हौसला मिले। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो और ज़्यादा हौसला मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा और आप लोगों के लिए भेजता रहूँगा, आप देखते रहेंगे और इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।